हेलो ये क्या है सरप्राइज रिवील एक बायोलॉजी टीचर आपको सरप्राइज रिवील मिलेगा फिफ्टींथ अक्टूबर को शी इज अः शी तो बोली दिया मैंने शी इज अ फैंटास्टिक फैकल्टी फैंटास्टिक आपको मजा आ जाएगा इनसे पढ़ने में सो so, इनसे भी हमारी सारी बातें हो चुकी है एवरीथिंग इज डन बस इनका जो फेस रिवील है और इनका जो लॉन्च है दैट वी आर डूइंग ऑन फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर एंड शी इज अ रिनोन्ड नेम इन ऑनलाइन कोचिंग इसीलिए नाम इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकते शी इज अ वेरी रिनोड नेम इन ऑनलाइन कोचिंग तो एक आपके लिए सरप्राइज Everyone, all my beautiful students all over India, you're so welcome back to the platform of Physics Fala and this is your Pace Batch. And I am yours truly, Tina Ma'am. I know some of you have seen me already on YouTube, and I am back after some time, exclusively on the platform of Physics Fala. Now, those of you who are watching me for the first time, guys, this is Tina Chopra, your zoology mentor. For your neat preparation, for your board exams preparation, we are going to rock it together. Right? Alright, so those of you who are watching me for the first time, I have done my master's honors in zoology, more than six years of experience, produced lots of gems, and we are going to rock it together. I am so excited, guys, to be a part of Physics Wala, to be a part of Pace Batch, and वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर जर्नी जुओलॉजी का हम जर्नी uh, स्टार्ट करने वाले हैं विद ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे फेवरेट टॉपिक होता है मेडिकल स्टूडेंट्स का है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आई थॉट की हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ तो चले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सांस लेंगे खूब सांस लेंगे आज तक लेते आए हैं इस चैप्टर में आज हमने सीखना है कि वेन वी ब्रीद तो क्या क्या हो रहा है लाइक क्या हम सिर्फ हवा ब्रीद कर रहे हैं क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं कि पूरी हवा ब्रीद कर रहे हैं राइट right? कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें सो so, होता क्या है उस ऑक्सीजन का वाई वी नीड टू ब्रीद आउट तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से निकलेगी ऑक्सीजन किस तरह से सेल्स में पहुंचेगी वी आर गोइंग टू स्टडी इट ऑल सो आई यू का इज ऑल रेडी तुम एन सी आर टी लेके बैठोगे देखो मैं भी लेके आई हूं सो दिस इट शुड बी योर फेवरेट बुक एज वेल सो आई यू ऑल गाइज रेडी विद एनसीआर टी गाइज आपको क्लास में सिर्फ एक एन सी आर टी चाहिए एक पेन चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए नोट्स तुम मेरे साथ क्लास में बनाने वाले हो ठीक है और बेस्ट नोट्स गाइस मेरे हिसाब से वो होते हैं जो आप एनसीईआरटी बुक में बनाओ पेपर एनसीईआरटी से आना है मोटी मोटी किताबों का क्या फायदा सब साइड पे रख दो ठीक है एक किताब उठा लो एंड दैट इज एनसीईआरटी टी क्लियर ऑलरेडी विद द बुक चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस गाइज हर चैप्टर में सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम समझेंगे ठीक है ब्रीदिंग बड़ी जानी पहचानी टर्म ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल दिस इज ब्रीदिंग राइट कभी कभी हवा ज्यादा अच्छी महक लेके आ जाए परफ्यूम अच्छी लगे तो हम और ज्यादा इनहेल कर लेते हैं इज इन दट सो नॉर्मल ब्रीदिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं, होता क्या है उस ब्रीदिंग का पर्पज और कौन कौन सी प्रोसेस चलेंगी लेट्स स्टडी सो so, ब्रीदिंग का मतलब सबको पता है अब ब्रीदिंग याद आते ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नजर आएगा इमेजिन कर रहे हो गए नो द बेसिक्स राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ नया पढ़ना है आप ऑलरेडी उन चीजों को पढ़ते आए हो बेसिक्स आपको थोड़े बहुत पता है हमने उसमें और नई एडिशंस करनी है पंद्रह साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए वो जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है हमने उसमें और एडिशन करनी है, ठीक है जी चलिए सो ब्रीदिंग ब्रीदिंग के साथ ही याद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ऐसा भी कईयों को लगता होगा कि शायद ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एक ही बात हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन किस किस को इस लेक्चर से पहले यह लगता था कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एक ही चीज है जो मन करे कुछ भी बोलो ठीक है क्योंकि आज हम ये समझने वाले हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का अलग अलग प्रोसेस होती हैं ठीक है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंसेस डिफरेंसेज वुड बी द डिफरेंसेस क्या फर्क होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आई एम श्योर कुछ है को इसका क्लियरली डिफरेंस पता होगा ठीक है रिवाइज कर लेते हैं और जिसको नहीं पता वो आज इस बात को समझ के पल्ले बांध लेगा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट प्रोसेसिस ठीक है देखो ब्रीदिंग का मतलब एज दट सांस लेना इनहेल एक्सहेल दिस इज ब्रीदिंग लेकिन रेस्पिरेशन इज अ डीपर थिंग इट इज मच एलाबोरेट प्रोसेस रेस्पिरेशन का मतलब होता है गाइस, फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना तुमने जितना खाया पिया ठीक है उस खाने का पर्पस यही था ताकि उससे एनर्जी बच सके आई नो हमारे खाने के और भी पर्पसेस होते हैं मूवी चल रही है तो भी खाना जरूरी है बोर हो रहे हैं तो खा ही लेते हैं है ना तो कुछ सोच के याद आ गया फूड हमारे लिए इमोशन होती है लेकिन एक्चुअली बॉडी के लिए फूड एक फ्यूअल है राइट right? जिसको तोड़ के वो एनर्जी बनाता है सो दिस प्रोसेस बाय इट ब्रेक्स डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू रिलीज एनर्जी दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन क्लियर हुआ बेसिक्स इनहेलेशन एक्सलेशन इज ब्रीदिंग लेकिन उस इनहेलेशन और एक्सलेशन से so क्या होगा वो देखते हैं रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना तो ये दोनों प्रोसेस आप इसमें कैसे रिलेटेड है और कैसे डिफरेंट है लेट्स अंडरस्टैंड देखो सोज so, ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ठीक है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन हाउ वेट, अंडरस्टैंड। we'll और में होता क्या है तब तक लाइफ चलती रहती है सो इट इज क्लियर रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी क्लियर और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बायोकेमिकल प्रोसेस है बायो केमिकल क्योंकि इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने वाली है बहुत सारे आपके एंजाइम्स यूज हो रहे हैं सेल के अंदर होती है तो बायो के बायो वर्ड इसके साथ एसोसिएटेड है केमिकल क्योंकि इसमें नए केमिकल्स बनने वाले हैं ठीक so, है सो बायो केमिकल प्रोसेस है वाइल दिस इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस क्लियर और रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होनी है इज अ क्लियर नाउ वॉट यू थिंक इन में से कौन सी एक्टिव और पैसिव प्रोसेस है चले पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइस कि एक्टिव और पैसिव प्रोसेस होती क्या है एक्टिव का मतलब होता है जिसमें कि एनर्जी इन्वॉल्व हो यानी जिस काम को करने में तुम्हारी एटीपी यूज हो रही है वो आपके लिए एक्टिव प्रोसेस है और जिसमें एटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो पैसिव प्रोसेस है ठीक है दूसरी चीज जो तुमने मुझे कॉमेंट्स में बतानी है वॉट डिड यू थिंक क्या लगता था इससे पहले अब मैं बताने वाली हूं तुम्हें ठीक है क्या लगता है कि ब्रीदिंग एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस है रेस्पिरेशन तो तुम्हें आइडिया होगा कि रेस्पिरेशन में भी एनर्जी लग रही है एनर्जी बन रही है तो दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस देखो हम कहते हैं ना मनी मेक्स मनी पैसा बनाने के लिए पहला पैसा चाहिए भी थोड़ा चाहिए ताकि ज्यादा बन सके बिल्कुल उसी तरह से एनर्जी का भी होता है थोड़ी सी एनर्जी यूज करके हम बहुत सारी एनर्जी बना सकते हैं So, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी इन्वॉल्व है इसलिए इसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे क्लियर अब ब्रीदिंग तुम्हें क्या लगता है सांस लेने में कोई एनर्जी लग रही है बिल्कुल लग रही है ठीक है so, सो जो आपकी ब्रीदिंग है ये एक्टिव भी है और पैसिव भी है क्लियर जैसे कि जो इनहेलेशन होती है गाइस इन्हेलेशन आपकी एक्टिव प्रोसेस है इन्हेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस ठीक है और एक्सहेलेशन जो है ये पैसिव प्रोसेस होती है एक्टिव क्यों है क्योंकि जब आप इनहेल करते हो तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कौन सी मसल्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ये हम करेंगे कल के लेक्चर में ठीक है आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज डिवोटेड टू द सिस्टम पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर ही पढ़ पाएंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है कैसे हेल्प करता है हमारी ठीक है जी चलिए कमिंग बैक तो इनहेलेशन में गाइज एनर्जी इन्वॉल्व होती है क्योंकि मसल कंट्रैक्शन होने वाली है लेकिन एक्सलेशन में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती इज इज नॉट सो इट अ पैसिव प्रोसेस बट एज आई सेड एनर्जी मेक्स एनर्जी तो इसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है सो दिस इज वेरी मच एन एक्टिव प्रोसेस सो आई होप कि बेस आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है जी चलो अब जरा आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन की टाइप्स देखो ब्रीदिंग के दो फेजेस हो गए इनहेलेशन एक्सहेलेशन ठीक है ऐसे अब रेस्पिरेशन यानी फूड को तोड़ के तुमने एनर्जी बनानी है तो तुम्हें पता है कि ये काम दो तरह से किया जा सकता है एक एनर्जी की सॉरी एनर्जी बनाने की प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकती है और दूसरा ऑक्सीजन की एबसेंस में क्लियर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको हम क्या बोलेंगे एरोबिक जो ऑक्सीजन की एबसेंस में होगा दैट इज नोन एज एनारोबिक क्लियर है ये देखा 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 लग रहा है जाना पहचाना लग रहा है बिल्कुल लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने तुम्हारी टेंथ की बुक से ही उठाया है ठीक है सो वंस अगेन रिस्पेक्ट जो आपने आज तक पढ़ा है उसी में हम एडिशंस करेंगे लेट्स रिवाइज इट देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें पता है कि दो तरह की होती है वन इज एरोबिक राइट एंड सेकेंड इज एनआरबिक सो एरो वो है जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है और जिसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा दैट विल बी नोन एज एनारोबिक क्लियर अब जब जब ऑक्सीजन यूज होती है ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है राइट right? और उसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा सीखिय सो इन दिस फ्लो चार्ट यू कैन सी ग्लूकोज कार्बन कंपाउंड है राइट सी सिक्स क्लियर वो पहले pyruvate बनेगा और pyruvate जो है फर्दर अब डिपेंड करता है क्या oxygen है क्या ऑक्सीजन या नहीं है अगर तो ऑक्सीजन हुई अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है इसका क्या हो रहा है कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और क्या बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड लॉर्ड्स ऑफ एनर्जी और ये कितनी एनर्जी होती है ये एनर्जी होती है थर्टी सिक्स एटीपी क्लियर कितनी एनर्जी बनेगी थर्टी सिक्स एटीपी लॉर्ड्स ऑफ एनर्जी क्लियर अगर ऑक्सीजन नहीं है सो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है क्या होने वाला है इनकंप्लीट ब्रेकडाउन तो अब इनकंप्लीट ब्रेकडाउन कई तरह से हो सकता है सी अगर तो ये यीस्ट सेल के अंदर हो रहा है सो यीस्ट सेल के अंदर ये बनाने वाला है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी और कितनी एनर्जी बनेगी यहां पे सिर्फ दो इज इट क्लियर कितनी बनेगी सिर्फ टू एटीपी मॉलिक्यूल्स वेर एज अगर यही रिएक्शन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी मसल्स में होती है तो बनता है लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से होते हैं मस्कुलर क्रैम्प क्या होते हैं मसल क्रैम्स यहां पे भी कितनी एनर्जी बननी है सिर्फ लेस एनर्जी टू एटीपीस क्लियर एंड इसकी वजह से होने हैं फिटीक मसल फिटीग जिसकी वजह से मसल्स में दर्द होगा मसल्स में क्रैम्स पड़ेंगे ठीक है और फिर हम थक हार के बैठ जाते हैं क्लियर अब इसका आगे क्या होना है कैसे बना लैक्टिक एसिड कैसे मसल्स पर इंपैक्ट करेगा ये हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लियर चलिए सो इज दिस मच क्लियर अब इसमें एक और चीज आज हम ऐड करने वाले हैं देखो कोई और सेल तुम्हें लगता है कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सेल विच कैन रिस्पायर एनारोबिकली कैन यू थिंक ऑफ इट सोचो जरा तब तक मैं तुम्हें यह बता देती हूं कि ये जो यीस्ट के अंदर प्रोसेस हो रही है जिसमें कि एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज के ए मीन्स नोन एज फर्मेंटेशन दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन यही ऐड कर लीजिए क्लियर अब ये प्रोसेस कहां कहां चलती है ये चलती है यीस्ट में क्लियर सेक्रोमाइस्टर से यही यीस्ट जो है ये आपकी ब्रेड बनाने में भी हेल्प करता है यही जो प्रोसेस है वो अल्कोहल प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करेगी क्लियर सो ये प्रोसेस कहां कहां हो रही है फर्मेंटेशन इट अकर्स इन इट अकर्स इन बेकिंग ठीक है बेकिंग के टाइम पे एंड ब्रूइंग ब्रूइंग कहते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन को इज दैट क्लियर टू ऑल सबको समझ में आ रहा है ठीक है जी ब्रूइंग का मतलब क्या है अल्कोहल प्रोडक्शन तो अल्कोहल इसी से बननी है एथेनॉल इज बिंग फॉर्म्ड ठीक है बेकिंग इसी से होनी है देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो नॉर्मल रोटी के कंपैरिजन में जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी होती है क्यों होती है इसीलिए होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनी कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो उसको स्पॉन्जी दे देगी आई नो ये बहुत से बेसिक है एंड यू नो दिस राइट तो जल्दी से पुरानी चीजें रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्लियर लेकिन पेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है गाइज कि पेस बैच में हो तो इतनी तेज चलना है कि हमारे बेसिक्स रह जाए बेसिक्स बेसिक को तो कभी भी नहीं छोड़ना है क्लियर सो वील एड मोर डिटेल्स जी सो आई टोल्ड यू सोचा तुमने कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सेल इन योर बॉडी विच रिस्पायर एनारोबिकली क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं हमारे तो हर एक सेल को बहुत एनर्जी चाहिए तो उसको कैसे रिस्पायर करना है एरोबिकली रिस्पायर करना है आपकी मसल्स में नॉर्मली एरोबिकली ही रिस्पायर करती हैं क्लियर लेकिन जब हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं क्लियर तो उनके पास जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो जाती है और फिर उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी फॉर्मिंग द लैक्टिक एसिड क्लियर जी सो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सेल विच कैन रिस्पायर गुड वेरी गुड जिनको ये याद आ रहा है, कि RBCs जो हैं जो आपके RBCs है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए लेकिन आरबीसी के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो आरबीसी कैसे रिस्पायर करेगा एनारोबिकली रिस्पायर करेगा इट विल रिस्पायर एनारोबिकली और एनारोबिकली रिस्पायर करते हुए उसके अंदर ये वाली कोई भी प्रोसेस नहीं चलती है आरबीसी ने भी तो एनर्जी बनानी है जिंदा रहना है तो एनर्जी तो चाहिए और एटीपी ऐसी चीज है जो शेयर नहीं की जा सकती ठीक है तो हर सेल को अपने हिस्से की एनर्जी खुद बनानी है तो आरबीसी जिस प्रोसेस से एनर्जी बनाता है उसको हम बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट थवे क्लियर ना दिस इज नॉट इन योर सिलेबस दिस इज नॉट इन योर सिलेबस ये सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आएगा कि अगर ये एनोरबिकली रिस्पायर करता है और इनमें से कोई प्रोसेस इसके अंदर नहीं चलती आपके आरबीसी के अंदर एथेनॉल नहीं बनता आपके आरबीसी के अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनता तो वो एनर्जी किस प्रोसेस से बनाएगा सो दिस इज दैट प्रोसेस बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस क्लियर बट ये जरूर याद रखना है दिस इज इन योर सिलेबस की आरबीसी एनआरबिकली रिस्पायर करता है एनआरबिकली रिस्पायर करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है आरबीसी इज जस्ट अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी जो है उसके अंदर बस हीमोग्लोबिन भरा होता है और बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है ठीक है इट इज जस्ट अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन नो न्यूक्लियस नो माइटोकॉन्ड्रिया नो ई नो गोल्जी बॉडीज नो लाइजोजोम जस्ट हीमोग्लोबिन अब इस चीज़ को हम यूज करने वाले हैं इसका हम सिग्निफिकेंस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कैसे आरबीसी हेल्प करेगा कैसे हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा हमारे अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजा क्लियर ऑलरेडी सबको समझ आ रही है चीजें चलिए आगे चलते हैं ऐड करते हैं और चीजें सो गाइज अब हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं ठीक है और कैसे ले रहे हैं तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है उसके अंदर ये पांच स्टेप्स जरूर होने हैं ठीक है और ये पांच स्टेप्स देखो कौन से सबसे पहले हवा एटमोस्फेयर से कहां जाएगी आपके लंग्स में ठीक है पहले हम अपनी बात करते हैं पहले सब अपनी ही बात करते हैं चलो अपनी बात करेंगे तो पहले हवा एटमोस्फेयर से कहां जाने वाली है लंग्स में फिर तुम्हें पता है लंग्स से वो जाएगी ब्लड में है ना ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा उसकी अपनी अलग कहानी चल रही है हमने पढ़नी है वो भी कहानी सो so, लंग्स सॉरी एटमोस्फेयर से लंग्स में नंबर टू लंग्स से ब्लड में थर्ड ब्लड उसको फिर अपने तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा फोर्थ और ब्लड से वो हवा कहा जाने वाली है यानी ऑक्सीजन कहा जाने वाली है आपके सेल्स में ठीक है चार स्टेप्स हो गए और अल्टीमेटली अब जो भी खाते हो जो पीते हो जो ऑक्सीजन ले रहे हो हर चीज कहां पहुंचती है अल्टीमेटली आपके सेल्स में तो इस ऑक्सीजन ने भी कहां पहुंचना है सेल्स में दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन इज क्लियर तो ये ऑक्सीजन पहुंचेगी आपके सेल्स में और सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हुए जो आपने खाया है जो फूड वहां पहुंचाया है उस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेगा ताकि ढेर सारी एनर्जी बन सके इज क्लियर सो दीज आर द फाइव स्टेप्स लेट्स सी ठीक है एनसीआर पे वापस आ जाओ यू कैन सी दिस इन द बुक पेज पलटो और तुम्हें ये वाला ये पांच स्टेप्स नजर आएंगे सी दीज आर द फाइव स्टेप्स दैट आर गोइंग टू अकर नंबर वन कैशियस एक्सचेंज होगा कैशियस एक्सचेंज बिटवीन एटमोसफियर एंड लंग्स अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गायज ब्रीदिंग इसको क्या बोलेंगे ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है हम कहते हैं रूम में वेंटिलेशन नहीं है यानी एयर फ्लो नहीं है या रूम बहुत वेल well वेंटिलेटेड है यानी वहां पे हवा का फ्लो है तो लंग्स के अंदर जो हवा का फ्लो होता है उसको हम क्या कह देंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स क्लियर फर्स्ट उसके बाद गैशियस एक्सचेंज किसके क्रॉस होगा गैशियस एक्सचेंज होना है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड दिस इज द सेकेंड स्टेप लंग्स एंड ब्लड क्लियर सो लंग्स के अंदर होती है एंड वो होगा ब्लड ब्लड के बीच में क्लियर उसके बाद blood उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड फिर अल्टीमेटली वो कहां से कहां जाना है ब्लड से कहा जाएगा टिश्यूज के अंदर क्लियर ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाती है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है क्लियर और ये जो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंची है या टिश्यू से ब्लड में आई है ये कैसे बनी ठीक है तो ये जो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच रही है उस ऑक्सीजन का होगा क्या दैट ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी फूड को तोड़ा जाएगा ठीक है दैट इज वाई वी कॉल इट कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है फूड इज ब्रोकन डाउट जब भी आप किसी चीज को तोड़ते हो कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजें बनेंगी तो क्या होगा कैटाबॉलिज्म होगा अगर कॉम्प्लेक्स चीज बन रही है को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बन रही है दैट इज एनाबॉलिज्म क्लियर और दोनों का सम टोटल क्या कहलाता है मेटाबोलिज्म क्लियर है चलिए सो अब ये जो यूटिलाइजेशन है बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक प्रोसेस नाउ दिस प्रोसेस इज पर्टिकुलरली नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर ब्रेक डाउन होना है दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन जो फर्स्ट स्टेप था उसकी खास टर्म क्या थी ब्रीदिंग क्लियर अब इन पांच स्टेप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि बाहर के साथ एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का दिस पार्ट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इस नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्लियर और बाकी के जो चार स्टेप्स हैं दे विल कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल रेस्पिरेशन वहीं पे लिख लो इंटरनल रेस्पिरेशन नोट साथ साथ बनाओगे मेरे इज द क्लियर स्क्रीन शॉट्स लेने तो ले लो सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी क्लियर है जी ऑल राइट नेक्स्ट अब ये सारे काम करने के लिए जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है जहां एक्चुअली गैशियस एक्सचेंज होना है ठीक है ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम के पास अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं लेट्स हैव अ लुक ठीक है सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं सिंपलेस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म ठीक है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है सो लेट्स टॉक अबाउट इट सो अमीबा सिंगल सेल ठीक है एक ही सेल है इस एक सेल ने पूरे एनिमल की तरह पूरी बॉडी की तरह एक्ट करना है तो डायरेक्टली एटमोस्फियर से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी क्लियर कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास सो अंडरस्टैंड सी सो पानी में रहता है तो मीडियम क्या है जहां से इसने गैशियस एक्सचेंज करना है दैट इज वाटर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं ठीक है कहां से होना है जनरल बॉडी सर्फेस से यानी सेल के सर्फेस से ही एक्सचेंज हो जाएगा Then we have planarium, प्लेनेरियम planaria. सुना होगा नाम तुमने हाईली regenerative. जितने टुकड़ों में काटोगे प्लेनेरिया को उतने प्लेनेरिया बन जाते हैं ठीक है जी चलो ये भी पानी में रहता है वॉटर में होगा कोई खास स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं जनरल बॉडी सर्फिस से इसका कैशियस एक्सचेंज होगा इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स अगर तो लैंड पे रहते हैं देखो अगर तो टेरेस्ट्रियल हैं टेरेस्ट्रियल मींस लैंड पे रहेंगे तो हवा से एक्सचेंज होगा इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्रेकिया ठीक है हमारे अंदर भी ट्रेकिया है लेकिन हमारे अंदर ट्रेकिया जो है विंड पाइप वो सिर्फ एक रास्ता है मेन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती है लंग्स लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही क्या है ट्रेकिया क्लियर अब ट्रेकिया से होने वाली रेस्पिरेशन को गाय हमेशा कहेंगे ट्रेक्योलर या ट्रेकियल ट्रेक्योलर रेस्पिरेशन ठीक है सो ट्रेक्यूलर रेस्पिरेशन उसको कहा जाता है जिसमें कि चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रेकिया होते हैं देन फिशेस तुम्हें पता है वाटर में रहेंगी गिल्स से रेस्पायर करती है उनका रेस्पिरेटरी चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है गिल्स हैं गिल प्लेट से एक्सचेंज हो जाता है यानी गिल्स में पता है बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है ठीक है और पानी भी है तो पानी में से ही गैशियस एक्सचेंज हो जाना है क्लियर चलो एम्फीबियंस अब देखो एम्फीबियंस जो लैंड पे भी रहते हैं वॉटर पे भी रहते हैं राइट अगर तो वो टैडपोल स्टेज में है यानी अपनी लार्वल स्टेज में तो टैडपोल रहता है वॉटर में तो टैडपोल की स्टेज में फिशेस जैसा है वो ठीक है ना तो गिल से रिस्पायर करेगा क्लियर तो अगेन अब गिल से रिस्पायर कर रहा है सी जो भी ऑर्गेनिजम्स गिल से रिस्पायर करते हैं गिल से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या होती है ब्रांकियल रेस्पिरेशन तो हम क्या कहेंगे शो ब्रांकियल रेस्पिरेशन. इंसेक्ट शो ट्रेक्यूलर रेस्पिरेशन क्लियर है चलिए अब जब इम्फीबियंस एडल्ट स्टेज में आ गए मेटामोफिस हो गया तो उनके गिल्स डीजेनरेट कर जाते हैं उनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो एम्फीबियंस जो है देखो अगर तो पानी के अंदर है फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के केस में भी यही होने वाला है फ्रॉग इज नॉट इन योर सिलेबस यहीं पे बता रही हूं इकलौता ऑर्गेनिज्म जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है कॉकरोच राइट नीट के लिए फाइन चलो देखो सो so, फ्रॉग फ्रॉग कैसे करता है अगर तो पानी में है तो अंडर वॉटर वो यूज करेगा स्किन को ठीक है अंडर वॉटर क्या यूज करेगा स्किन को फॉर रेस्पिरेशन क्लियर और अगर तो वो लैंड पे है तो वो हवा से रिस्पायर करेगा एयर के साथ गैशियस एक्सचेंज होने वाला है अब दो तरह से कर सकता है माउथ भी यूज कर सकता है बकल कैविटी या माउथ ठीक है या फिर लंग्स यूज करेगा अब देखो स्किन से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है क्यूटेनियस क्या होगी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सो हम कहेंगे कि अंडर वॉटर एम्फीबियंस शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डन और बक्कल कैविटी से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है फेरेंजियल फेरेंजियल क्लियर और लंग से होने वाली रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी लंग्स प्रेजेंट है यू you नो know दैट रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स इन सब के अंदर लंग्स प्रेजेंट है तो जो जितने भी हायर लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे लंग्स तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाए रहेंगे ठीक है वील सी वॉट दे आर तो लंग से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है पल्मनरी क्या होती है पल्मोनरी सो वी शो पल्मनरी रेस्पिरेशन गिल्स शो सॉरी फिशेस शो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्योंकि वो गिल्स रेस्पायर करते हैं क्लियर है चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो कि हेल्प करेगा गैशियस एक्सचेंज में बाहर से हवा को पहले अंदर लंग्स तक पहुंचाने में बाकी का काम तो आगे की चीज है ठीक है सो लेट स्टडी द स्ट्रक्चर फर्स्ट जिसने कि हेल्प करना है हेल्प करनी है हवा को बाहर से अंदर लेके जाने में और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको बाहर रिलीज करने में सो ऑल सेट स्टार्ट करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ चलिए सो so, पहले तो ये स्ट्रक्चर का इज एनसीआर का एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है एक एक लेबलिंग इंपॉर्टेंट है तुम्हें वो डायग्राम पसंद आए ना आए ठीक है कुछ डायग्राम्स नहीं भी पसंद आएंगे कि भाई यहां तो कुछ पता ही नहीं लग रहा बट आपको करने यही डायग्राम्स है क्लियर क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो भी डायग्राम्स आएंगे वो सारे एनसीआरटी के आएंगे क्लियर तो कोई फालतू का डायग्राम नहीं करना सिर्फ एनसीआरटी एनसीआरटी करनी है क्लियर जो एक या दो परसेंट हमने एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो तुम यहीं पे एड करोगे इसीलिए मैंने बोला है एक्स्ट्रा शीट्स लेके बैठोगे क्लियर या मैं एक्स्ट्रा कोई डायग्राम बताती हूं ताकि तुम्हें एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर पाऊं तो ड्रॉ इट हियर इट क्लियर चल सो दिस इज हाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लुक्स लाइक डन सो गाइस ये तो एनसीआरटी ने बनाया जरा हम शुरू करते हैं असलियत की बात करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल्स से ठीक है दो नॉस्ट्रल्स हैं पेयर्ड नॉस्ट्रल्स इसके बाद हवा कहां जाएगी नेजल चैम्बर में उसके बाद और पीछे जाएगी गले में गले को क्या कहते हैं फेरिंग्स ठीक है उसके बाद फेरिंग्स तुम्हें पता है डिवाइड हो जाता है फूड के लिए स्पेशल ट्यूब है फूड पाइप और इसोफेग ये आप पढ़ चुके हो और आपकी विंड के लिए यानी कि हवा के लिए स्पेशल ट्यूब है दैट इज ट्रेकिया और विंड पाइप क्लियर है इतना ओके उसके बाद क्या होता है ट्रेकिया के ऊपर ही एंटीरियर साइड पे सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है आपका वॉइस बॉक्स ठीक है जहां पे साउंड प्रोडक्शन होनी है लेरिंगस और द वॉइस बॉक्स जहां पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है डन फिर ट्रेकिया आएगा फिर वो डिवाइड होगा चलो खुद बनाते हैं जरा डायग्राम और अच्छी तरह से समझते हैं लेट्स ड्रॉ आपको ड्रॉइंग करनी भी आनी चाहिए आपको स्कूल के एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है सो यू विल वॉच मी वेरी केयरफुली हाउ आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम्स क्लियर तो डायग्राम्स मैं अच्छे बनाती हूं मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली क्लियर लेट्स प्रैक्टिस द डायग्राम ऑल्सो देखो सो दिस इज योर नोज ये लिप्स हो गए ये बीच में माउथ हो गया ये आपकी चिन हो गई ठीक है ये आपके हैप्पी डेंट टीथ ये आपका पैलेट राइट सो क्लियर है उसके बाद ये lower happy dent teeth, ये floor of the cavity. All right? चलो, ये 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 आपके आपका चलो, है के पास ये nasal chamber, ये सारा नेजल चैम्बर और ये पीछे से आगे आपका फेरिंग्स फेरिंग्स फिर डिवाइड हो जाता है ठीक है आगे की तरफ आपकी विंड पाइप रहती है पीछे की तरफ आपकी फूड पाइप रहती है क्लियर तो हम फूड पाइप को इतना डेवलप नहीं करेंगे हमारा चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम विंड पाइप को जरा इलांगेट कर लेते हैं दिस इज योर ट्रेकिया इतना क्लियर है सबको ठीक है अब ट्रेकिया आगे डिवाइड कर जाता है इंटू टू ट्यूब्स टू डक्स ब्रोंकाय सिंगुलर ब्रोंकस दो को ब्रोंकाय बोलेंगे और ये दोनों ब्रोंकाय एंटर कर जाते हैं आपके लंग्स के अंदर सो so, ये हैं आपके लंग्स ये क्या हो गया बोर्ड को चलो ये है आपके लंग्स क्लियर और एक दूसरा लंग अब देखो लग रहा होगा कि मैम से शायद दोनों एक जैसे बने नहीं ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी ये दोनों लंग्स डिफरेंट शेप के होते हैं ठीक है सो वील सी द डिटेल और इसके नीचे प्रेजेंट होती है आपकी यूनिक मेमब्रेन दैट इज कॉल्ड डाया दिस इज कॉल्ड डाया ये क्या हो गया ये तो कहीं और ही चला गया ऑल राइट लेट्स draw द diaphragm once वंस अगेन बोर्ड की ना अपनी मर्जी होती है कई बार सिर्फ हमारी ही अपनी मर्जिया नहीं चलती बोर्ड भी कई बार अपनी मर्जी करता है चलो कोई बात नहीं सो दिस इज क्लियर ऑल राइट सो लेट्स लेबल लेट्स डू द लेबलिंग पार्ट कोई भी डायग्राम बिना लेबलिंग के उसके कोई मार्क्स नहीं आने वाले इज अ क्लियर सो लेबलिंग ध्यान से देखोगे दीज ओपनिंग्स आर नोन एज Nostrils. Clear? इस पार्ट को क्या बोलेंगे नेजल चेम्बर दिस इज कॉल्ड नेजल ये गायब क्यों रहा है कोई भूत तो नहीं है नेजल चेम्बर ठीक है नेजल चेम्बर के पीछे यहां से लेके यहां तक दिस होल पार्ट इज नोन एज फेरें दिस इज कॉल्ड फेरेंग व गायब हो रहे हैं चलो दिस इज क्लियर दिस इज फेरिक्स उसके बाद तुम्हें पता है पीछे की तरफ आपका इसोफेगस है और आगे की तरफ आपका ट्रेकिया है विंड पाइप है क्लियर नाउ सी विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहेंगे सो द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप दिस ओपनिंग ठीक है दिस इज नोन एज ग्लोटिस दिस इज नोन एज ग्लोटिस ये ध्यान से समझ लेना दिस इज नोन एज ग्लोटिस डन इसी तरह से आपकी जो इस है ये इसकी भी ओपनिंग का स्पेशल नाम होता है दिस दिस इज़ इज़ नोन नोन क्लियर दोनों ओपनिंग का नाम क्लियर हो गया इसोफेग्रिस की ओपनिंग गलेट है और ट्रेकिया की ओपनिंग इज नोन एज इट इज नोन एज ग्लोटिस डन अब आपका जो फूड है वो गलती से भी वो गलती से भी कहीं आपकी ट्रेकिया में ना चला जाए विंड पाइप में ना चला जाए इसीलिए कहते हैं कि आ, खाते समय बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बोलते समय आपका ट्रेकिया ओपन होता है और खाते समय ट्रेकिया बंद होना चाहिए तो अगर आप दोनों काम एक साथ करोगे तो गलती से फूड कहाँ जा सकता है विंड पाइप में बट नथिंग टू वरी हमें बचपन की प्रैक्टिस है ना बातें करते करते खाने का मजा ही अलग होता है बट कोई बात नहीं करना नहीं चाहिए वैसे ठीक है

भाई ये तो अजीब ही चीज हो रही है आज पहले ही क्लास है और वर्ड्स गायब हो रहे हैं जरूर कोई कुछ तो है कुछ तो है देखते हैं अब क्या है चलो सो so, ये है हमारा ओके लेट्स इट नाइसली ठीक है ये रहा डन और ये है आपका इज़ दैट क्लियर ठीक है जी अब आपके ट्रेकिया के ऊपर वाली ही साइड पे देखो जहां पे हवा एंटर करती है ट्रेकिया में एंटर करेगी ठीक है तो वहीं पे आपका वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है आपका लेरिंग्स uh, प्रेजेंट है ऑन द अपर साइड ऑफ ट्रेकिया दिस इज योर लेरिंग्स दिस इज योर वॉइस बॉक्स इज दैट क्लियर एंड देन स्टार्ट योर ट्रेकिया धन अब ट्रेकिया के ऊपर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे ऐसे सी शेप्ड रिंग्स नजर आएंगी क्लियर सी शेप्ड क्यों है देखो इसको सी शेप्ड क्यू कहते हैं क्योंकि रिंग की जब भी बात आती है तो रिंग तो गोल होनी चाहिए ना लेकिन ये कैसी है ये सिर्फ ऐसी है यानी कि को सिर्फ आगे वाली साइड पे कवर कर रही है देखो जैसे अगर मैंने ये घड़ी पहनी हुई है तो ये घड़ी पूरी साइड पे एक रिंग बनी हुई है बट ऐसा नहीं है यहां पे सिर्फ एक साइड से स्टार्ट होगी और इस साइड पे खत्म हो जाएगी डॉर्सल साइड पे पीछे वाली साइड पे ट्रेकियल रिंग नहीं होती ये सी शेप्ड रिंग नहीं होती अगर पीछे की साइड पे भी ये रिंग होती ना तो उससे देखो नुकसान क्या होता पीछे आपका ये इसोफेगस है जब तुमने सवालो करना है जब फूड यहां से ट्रैवल करेगा तो आपकी लेट्स मेक इट तो जब फूड यहां से ट्रैवल करेगा तो आपकी इसोफेगस ऐसे होती है डायलेट करती है पेरिस्टालसिस के टाइम पे टू रिमेंबर पेरिस्टालसिस के टाइम पे ऐसा होना है है ना तो वो अगर यहां पे पीछे वाली साइड पे भी रिंग हुई तो आपकी इसोफेगस डायलेट नहीं हो सकती पेरिस्टालसिस में दिक्कत आ जाएगी So, इसलिए पीछे वाली साइड पे रिंग प्रेजेंट नहीं होती है क्लियर चलो सो so, इसको हटा देते हैं Let's concentrate again on trachea. Trachea के बाहर क्या प्रेजेंट है cartilaginous rings. Cartilage की बनी हुई रिंग्स कार्टिलेजनस रिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो एक्सटर्नली यहां पे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कौन सा कार्टिलेज हैज है यहीं पे लिख लो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब करूंगी तो तब से तुमसे तुम्हें ये याद आना चाहिए ठीक है तो लाइन कार्टिलेज जहां पे भी हार्डनेस चाहिए स्ट्रक्चर को मेंटेन मेंटेन करना है करनी है शेप करनी लाइन कोटेलेज होगा आपके यहां नेजल ब्रिज पे भी हे लाइन होता है टिप पे नेजल टिप पे लाइन नहीं होता टिप पे इलास्टिक होगा टिप ऐसे हिलती है ना टिप ठीक है पर ये तो हार्ड होता है दिस तो इज हे लाइन आपका ये जो फ्लैप है कान का ये भी टीचर को मरोड़ने में बड़ा मजा आता है ठीक है ये भी कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज है अगर ये कहीं हेलाइन होता तो बस टीचर ने मरोड़ा और टूट गया ये भी कई बार इसमें भी डैमेज हो सकता है ठीक है चलो सो दिस सी शेप कार्टिलेज नेंग मेडअप ऑफ हेलाइन कार्टिलेज डन अब ये ट्रेकिया डिवाइड हो गए डिवाइड होकर क्या बना रहा है ब्रों क्लियर और ये जो ब्रोंका है ये एंटर कर रहे हैं आपके लंग्स के अंदर अच्छा इनके ऊपर भी ये सी शेप काटलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं सो दे आर प्रेजेंट ऑन दीज एज वेल क्लियर नाउ दीज ब्रोंकाए दे विल एंटर इन टू द लंग्स एंड दे विल ब्रेक डाउन ये टूटती जाएंगे इसमें ये टूटती जा रही है इनकी फर्दर ब्रांचिंग चलती रहेगी क्लियर ये फिर से टूटेगी टूट टूट के और टूट टूट के और टूट टूट के, के. ठीक है और तोड़ देते हैं एक बार और इनके आगे लगे होते हैं ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है जी तो लंग्स के अंदर ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भरे पड़े हैं जिनको हम क्या बोलते हैं एलव्योलाय दे बी नोन एज एलव्योलाय ठीक है जहां एक्चुअली गैशियस एक्सचेंज होना है आपके एक एक लंग के अंदर 150 मिलियन एलव्योलाय प्रेजेंट है तो कितने अरबपति हैं है ना एलव्योलाय के, के, के केस में सो so, हम सब बहुत ही अमीर like. like है एलवि और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्या सिग्निफिकेंस है विल सी क्लियर है अब ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ये क्या है आपके लंग्स डीज आर योर लंग्स ठीक है तो लंग्स का स्ट्रक्चर मैं सेपरेटली डिटेल में बताऊंगी यहां पे मैं इतना ही बता रही हूं तो ये जो ब्रोंकाय थे नासी ये जो एंटर किए थे ये क्या है ब्रोंकस सिंगुलर इज नोन एज ब्रोंकस प्लूरल को क्या बोल देंगे ब्रोंकाय ये अंदर एंटर करके किस में टूट रहे हैं ये ब्रोंकियोल्स हैं स्मॉलर ब्रांचेस आर ब्रोंकियोल्स क्लियर तो कैसा होता है देखो ये ब्रोंकस उसके बाद ये प्राइमरी प्राइमरी आगे टूट जाएगा सेकेंडरी में सेकेंडरी फिर टूट जाएगा टर्शरी में टर्शरी के आगे टर्मिनल होती है फिर एल्वियोलर डक्ट्स आती हैं और अल्टीमेटली क्या लगे होते हैं लंग्स आर फुल ऑफ दे आर पैक्ड विद दीज स्मॉल डक्ट्स ब्रोंकियोल्स एंड एलवियोलाय क्लियर और लंग्स में कुछ है ही नहीं ठीक है स्पॉन्जी से बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है और इन डक्ट के साथ और एलव के साथ भरे पड़े हैं ठीक है चलो और इसके नीचे प्रेजेंट है ये आपकी यूनिक मेमब्रेन इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं डायाफ्रैम क्यों बोला मैंने यूनिक क्योंकि ये सिर्फ मैमल्स के अंदर होती है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर होती है देखो बायोलॉजी को हम साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं अगर हम कोई एक बात बता देना कि जी ऐसा होता है साथ में कोई ना कोई एक्सेप्शन पहले ही खड़े होती है लेकिन ये ऐसा मैमल्स का फीचर है जिसमें तुम्हें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी कोई ऐसा मैमल है ही नहीं जो कह दे मेरे पास डाया नहीं है तो भाई तुम मैमल नहीं हो फिर समझ में आ गई बात चलो सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर क्लियर नाउ ऑल ये जितना भी तुमने पैसेज बनाया देखो पैसेज की हम जरा लेबलिंग कर लेते हैं सो स्टार्टिंग विद नॉस्ट्रल्स ठीक है नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चेम्बर नेजल चैम्बर के बाद क्या आया फेरिंग्स ठीक है फेरिंग्स के बाद क्या आता है तुम्हारा पहले लैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स के बाद क्या आता है ट्रेकिया फिफ्थ इज ट्रेकिया ठीक है ट्रेकिया किसमें ब्रेक ऑफ हो जाएगा ब्रोंकाय में ब्रोंकाय आगे टूटेंगे ब्रोंकियोल्स में एंड अल्टीमेटली दे विल एंटर इन द एलवेलाय सो दिस इज योर एयर पैसेज क्लियर अब ये जो पूरा का पूरा तुमने एयर पैसेज देखा है इस एयर पैसेज को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में अभी मैंने पूरे डिटेल्स नहीं बताए कम बैक टू दैट स्ट्रक्चर वंस अगेन लेकिन ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ठीक है वन इज बिटवीन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स क्लियर इस पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट इसको क्या बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट दिस इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट डन और फिर टर्मिनल रॉन्क्योस के आगे एल्व्यूलाय और उनकी डक्ट्स ठीक है उनकी डक्स एल्वियोलर डक्ट्स सो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट दिस इज नोन एज एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट दिस पार्ट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पार्ट क्लियर हो रहा है इतना So, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी पार्ट नाम से पता लग रहा है कंडक्टिंग का मतलब ये कंडक्ट करेगा ये सिर्फ हेल्प करेगा हवा को ऊपर से नीचे टर्मिनल ब्रॉक्यूल्स तक पहुंचाने में क्लियर लेकिन जो एक्चुअली गैश एक्सचेंज होना है ब्लड और लंग्स के बीच में वो कहां से कहां होगा एल्वेलाय और उनकी डक्ट्स में स्टार्ट हो जाता है सो so, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट इस पार्ट को हम बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट क्योंकि एक्चुअली यहां गैशियस एक्सचेंज अकर्स गैशियस एक्सचेंज अकर्स ठीक है कैसे होता है तो ये जो आपके एल्व्यूल आए हैं देखो ये आपके जो एलव्यूलाएं होंगे इनके आसपास ब्लड सप्लाई होगी ये ब्लड के पिलरीज लगी होती है अभी डिटेल करेंगे इसका हम ठीक है तो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन इधर चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली जाएगी तो ये एक्सचेंज यहां पे होता है यहां पे भी होता है और इनकी डक्ट्स में भी होता है ठीक है सो दिस इज द एक्सचेंज पार्ट अब हम आते हैं कंडक्टिंग पार्ट पे कंडक्टिंग नाम से पता लग रहा है तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा कंडक्ट करेगा नंबर वन इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग द एयर इट कंडक्ट्स इसके अलावा ठीक है जरा डायग्राम पे आ जाओ वापस देखो तो अगर हम डायग्राम देखें नोस्ट्रल्स नेजल चेंबर ठीक है फेरिंग अच्छा तो ये जो पैसेज है ना ये हेल्प करता है कंडक्टिंग के अलावा नॉस्ट्रल्स के अंदर सॉरी नॉस्ट्रल्स के ऊपर नेजल चैम्बर में आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं म्यूकस प्रेजेंट होती है जब डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकती है तो इसका मतलब कंडक्टिंग पार्ट जो है वो एयर को फिल्टर भी करेगा इट फिल्टर द एयर ठीक है इसके अलावा ये दो काम और करता है इट वॉर्म्स द एयर क्लियरली रिटर्न इन योर एनसीआर टी ठीक है एंड इट ह्यूमिडिफाइज द एयर ह्यूमिडीफाई ह्यूमिडिफिकेशन करता है क्लियर कंडक्ट समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है फिल्टर समझ में आ रहा है है ना हेयर प्रेजेंट होंगे नॉस्ट्रल हेयर uh, और म्यूकस प्रेजेंट होगी टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस अब वॉर्म्स एंड ह्यूमिडिफाई का मतलब क्या है बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है 37 सेवन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है या कम भी हो सकता है जैसे सर्दियां हैं तो टेम्परेचर विल बी रियली लेस लेकिन आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37 जो हवा अंदर जा रही है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लानी जरूरी है ठीक है तो उसका काम भी कौन करेगा आपका कंडक्टिंग पार्ट आई शो यू हाउ आई टेल यू हाउ कौन करता है दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन बाहर से जो हवा आ रही है वो ड्राई हो सकती है कई बार गर्मियों में लगता है ना कि नाक सूख गई है ठीक है क्योंकि बाहर से हवा जो आ रही है ड्राई है अभी तो आपका कंडक्टिंग पार्ट उसमें मॉइस्चर ऐड करेगा तब भी कई बार ऐसा लगता है कि नाक सूख गई गर्मी की वजह से आपका जो कंडक्टिंग पार्ट है वो हवा के अंदर मॉइस्चर ऐड करता है क्या करता है ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिटी ठीक है तो इट विल एड मॉइस्चर मॉइस्चर टू द एयर क्लियर दिस इज नोन एज ह्यूमिडिफिकेशन द एयर यानी कि थर्मो रेगुलेशन इज इट क्लियर चलो वापस चलते हैं अपने पिछले डायग्राम पे एंड लेट्स सी कि कौन करता है ये सब तो नॉस्ट्रल्स का क्लियर हो गया कितनी है तुम्हारी नॉस्ट्रल्स पेयर्ड होती हैं ठीक है सांस नाक से लेना चाहिए ना कि माउथ से क्यों क्योंकि नेजल चैम्बर में यहां पे आपके हेयर प्रेजेंट होंगे म्यूकस प्रेजेंट होगी विच कैन फिल्टर द एयर डन सो so, इतना सबको क्लियर हो रहा है यू कैन टेक द फ्लो स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट डन चलो उसके बाद अब नेजल चैम्बर पे आते हैं नेजल चैम्बर जो है गाइस देखो नेजल चैम्बर यहां पे नेजल चैम्बर के स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है क्लियर इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यहां पे लिख रही हूं ये तीन है ठीक है वन टू एंड थ्री थ्री नेजल कॉम नाउ दिस इज नॉट गिवन एन यू एनसीआरटी लिख लो वहां पे क्योंकि एनसीआर टी ने उसका ये तो बता दिया है कि वॉर्म्स करता है फिल्ट और ह्यूमिडिफाई करता है तो हम ऐड कर लो उसमें ये वाली चीज नेजल कॉम ठीक है नेजल कॉम क्या होता है बेसिकली बोन्स होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में ठीक है लेकिन देखो हमने ना सारी चीजें एक साथ लानी है अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग चैप्टर में है बट हम जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हमने आगे पीछे सबसे जो भी रेस्पिरेशन की बात जहां पे भी हुई है सब एक साथ करनी है ठीक है दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करेंगे क्लियर और कंपार्टमेंटलाइजेशन uh, नहीं करने कि रेस्पिरेशन अलग है बॉडी इज वन यूनिट ठीक है सो लेट स्टडी इट एज अ होल नाउ सी सो so, हड्डियां हैं बोन्स हैं तीन दो बोन्स होती हैं लेकिन ये तीन रिजेस बनाती है रिज का मतलब होता है एलिवेशन देखो ये बोन है और बोन के नीचे ये जो पार्ट आ रहा है ना उस चीज को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ठीक है सो दिस इज एंड तीन निजल अब यहां पे रिच ब्लड सप्लाई होती है यहां पर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है अब होगा क्या कि यहां से जब हवा आ रही है ठीक है ये देखो ये जो हवा आ रही है तो हवा के अंदर इसने मॉइस्चर ऐड कर देना है so, यहां से मॉइस्चर ऐड हो जाएगा ये वॉटर एड हो जाएगा नेजल कॉन्के से इन द एयर इज क्लियर तो वॉटर एड करते हुए हवा को अब आगे पहुंचाया जाएगा क्लियर तो ये हवा पता लग रही है दिस इज एयर ग्रे कलर की बताइए क्योंकि गंदी हवा है गंदी हवा क्यों क्योंकि हमने गंदी कर रखी है ठीक है पॉल्यूशन हमने कॉज कर रखा है गवर्नमेंट कहती है जी दिवाली पे, पे पटाखे मत चलाना पर हमारी दिवाली पटाखों के बगैर अधूरी है ग्रीन दिवाली का कॉन्सेप्ट है ही नहीं राइट तो फिर गंदी एयर ही लेंगे हम ठीक है चलो तो कम से कम उसमें वॉटर कौन ऐड कर रहा है नेजल के ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए फिर हम गवर्नमेंट पे सारा कुछ डाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है पॉल्यूशन हटाने के लिए कैसे करेगी वो जो बोल रही है वो तो तुमने करना नहीं है है ना चलो मैं भी कई बार भावनाओं में बह जाती हूँ चैप्टर पे आते हैं वापस तो नेजल कॉन्के ठीक है जी तो ये है एयर तो नाउ दिस इज एयर अब एयर नेजल चेंबर के बाद कहां जा रही है फेरिंग्स के अंदर जा रही है गले में गले को क्या बोलते हैं फेरिंग्स फेरिंग्स में देखो एयर आ रही है और इधर से हमने कुछ खा भी लिया क्या खाए कौन से कलर का खाते हैं चलो hmm. रेड कलर का कुछ खाते हैं ठीक है ठीके? तो इधर से हमने फूड भी ऐड कर दिया कैन यू सी फेरिंग्स वो पार्ट है जहां पर एयर भी ट्रेवल कर रही है और फूड भी इसीलिए तुम फेरिंग्स के बारे में आज तक क्या पढ़ते आयो कि फ्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्लियर हो गया इतना दिस इज फेरिंग्स डन नेजल कॉन्के का काम बता दिया इट विल वॉर्म एंड इट विल ह्यूमिडिफाई द एयर चलो उसके बाद हवा कहाँ जा रही है आपके ग्लॉटिस से होते ट्रेकिया में ठीक है और ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोला है हमने ग्लॉटिस क्या लिख लो इट इज द ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ हैश टैग ठीक है इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया याद रहेगा सबको याद रखना है और इसोफेगस की ओपनिंग इज गलेट इट इज द ओपनिंग ऑफ इसगर्स क्लियर देखो चीजें सारी लिखी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में जो थोड़ी बहुत नई लिखी हैं वो तुम ऐड कर सकते हो डायग्राम की हेल्प से चीजें समझो दिमाग में एक पिक्चर बनेगी वो हमेशा याद रहेगी ठीक है क्यों हम डायग्राम्स पसंद करते हैं क्यों बुक में डायग्राम्स दिए होते हैं क्योंकि डायग्राम से एक इमेजिनेशन डेवलप भी होती है ठीक है चलो अब गलत हो गया चलो इसको हम छोड़ देते हैं दिस इज नॉट इन दिस चैप्टर इसपे हम वापस आएंगे द चैप्टर ऑफ डाइजेशन ऑल राइट सो दिस इज ग्लॉटिस ठीक है हवा इसमें जा रही है लेकिन गलती से कहीं फूड धरना चला जाए तो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एपिग्लॉटिस ठीक है तो एपीग्लॉटिस का फंक्शन लिख लो इट इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा फ्लैप है लीव शेप का जो कि प्रिवेंट करेगा फूड की एंट्री को इन द इन द ग्लॉटिस ठीक है तो फूड कहां जाना चाहिए फूड शुड गो हियर नॉट हियर तो प्रिवेंट कौन करेगा तो जब भी हम स्वालो करते हैं तो जैसे इस वॉलो करने की बारी आती है ये इस तरह से शट डाउन हो जाता है उसको क्लोज कर लेता है इतना क्लियर हो गया सो यू नो इट ऑल ऑल राइट एंड दिस इज योर वॉइस बॉक्स ठीक है जहां साउंड प्रोड्यूस होनी है जहां वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वोकल कॉर्ड्स की थिकनेस मेल और फीमेल में अलग होती है जिसकी वजह से दोनों की आवाजें अलग अलग तरह की होती है ठीक है टेस्टोस्टरोन जो हार्मोन है मेल्स का वो इन वोकल कॉर्ड्स पे भी एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे नहीं होना उसका इफेक्ट मसल्स पे बोन्स पे कार्टिलेज पे वोकल कॉर्ड्स पे माइंड पे सब जगह होना है क्लियर चलो वो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे सो इज दैट क्लियर सो लेरिंग्स लेरिंग्स से होने के बाद हवा कहां जा रही है ट्रेकिया में इज दैट क्लियर चलो अब जरा ट्रेकिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं देखो ये है आपका ट्रेकिया

साइड पे क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा दिस दिस इज़ इज़ और वॉइस बॉक्स इट नॉट लाइक ये डायग्राम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, असली पे तो आएंगे अब ये ट्रेकिया है। तुम्हें पता है ट्रेकिया के बाहर क्या प्रेजेंट है इंटरनली ट्रेकिया के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं ठीक है ऐसे सेल्स प्रेजेंट है सो so, डीजा और इनके सीलिया प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे होंगे और ये सेल्स जो है ये म्यूकस से क्रिएट करते हैं ठीक है, है? म्यूकस का काम क्या है ताकि जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको ट्रैप किया जा सके पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे में आपके म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है क्लियर और जहां जहां म्यूकस होता है वहां पे सीलिया होते हैं ताकि उस म्यूकस को बाहर की तरफ पुश कर सके क्लियर देखो म्यूकस आपको एलिमेंट्री केनाल में भी मिलेगा लेकिन वहां पे सीलिया की जरूरत नहीं है क्योंकि फूड के साथ ही वो म्यूकस नीचे निकल जाता है थ्रू एनस एक्स्ट्रा म्यूकस इन्फेक्टेड म्यूकस को निकाल देंगे और वहां म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेट करना ठीक है यहां म्यूकस का पर्पज क्या है यहां म्यूकस का पर्पज है डस्ट पार्टिकल्स को जर्म्स को ट्रैप करना ठीक है तो उस इंफेक्टेड म्यूकस uh, को बाहर निकालने की जरूरत है तो यहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं सीलिया हमेशा ऐसे मूव करते हैं लाइक ऑफ द बोट जैसे चप्पू चलता है ना ऐसे चलते हैं तो सीलिया ऊपर की तरफ मूव करेंगे और इस इन्फेक्टेड म्यूकस को ऊपर की तरफ पुश करते रहेंगे तो जब हम सुबह अजीब अजीब आवाजें निकाल के गला साफ करते हैं तो वो यही म्यूकस निकलती है एग्जे क्लियर इट्स अ गुड प्रैक्टिस चलो तो अब देखो कौन से सेल्स प्रेजेंट है इंटरनली इट इज लाइंड बाय इंटरनली लाइंड बाय अब देखो ध्यान से देखना सेल्स के नाम लिख रही हूं डरना नहीं है ठीक है सुडो स्ट्रैटिफाइड सुडो स्ट्रैटिफाइड क्यू कॉलमनर कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम एपिथेलियल सेल्स है कॉलमनर है ठीक है सीलिएटेड भी समझ में आ गए Pseudo -stratified. Pseudo का मतलब क्या होता है फॉल्स झूठ मूठ स्ट्राटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स ये देख के लग रहा है ना कि जैसे मल्टीपल लेयर्स के होंगे बट ये मल्टीपल लेयर नहीं है ये सिंगल लेयर होती है लेकिन वो अलग अलग साइजेस में है तो देखने में लगते हैं मल्टीपल लेयर ठीक है layered, चलो सूडो स्ट्राटिफाइड पे और डिस्कशन करेंगे हम स्ट्रक्लो ऑर्गेनाइजेशन में तो यहां पे ये सेल्स का नाम जरूर याद रख लेना है इज एग्जेक्ट क्लियर उसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि ये जो आपका ट्रेकिया था ये किसमें डिवाइड हो जाता है इट गेट्स डिवाइडेड इंटू टू ब्रोंकाय तो ब्रोंकाय के अंदर भी सेम सेल्स प्रेजेंट हैं ब्रोंकाय के अंदर भी सेम सेल्स प्रेजेंट हैं यही वाले सेम सेल्स स्टार मार्क करके इज इट क्लियर और ये ब्रोंकाय के आगे क्या प्रेजेंट होने हैं ब्रोंकियोल्स तो ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स होंगी ये क्या होंगी ब्रोंकियोल्स अब क्योंकि ट्यूब्स छोटी हो गई हैं रास्ता छोटा हो गया तो वहां पे कॉलमनर सेल्स नहीं होते ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होते हैं बाकी सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ कॉलमनर की जगह पे क्या आ जाएगा क्यूबॉइडल ठीक है बाकी सब कुछ सेम है लेकिन वहां पे क्या प्रेजेंट है कॉलमनर देखो सूडो स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथीलियम बाकी सब कुछ सेम सूडो स्ट्राटिफाइड सेम इज अ क्लियर डन तो ये सेल्स पता लग गए चले आगे ओके okay. अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड किस लेवल पे करता है यानी किस जगह पे वो डिवाइड करेगा ऊपर नीचे कहाँ डिवाइड करेगा हम सबके अंदर सेम लेवल पे वो डिवाइड करता है ठीक है और वो लेवल क्या है वो लेवल है फिफ्थ चलो दूसरे पेन से लिखते हैं जरा कौन सा कलर लें कौन सा कलर लें ये ले लेते हैं सो इट डिवाइड एट फिफ्थ थोरासिक वा लेवल सो ये चीज याद रखनी है तो किस पे डिवाइड करता है फिफ्थ थोरासिक लेवल अब इसका मतलब क्या है? यानी जहां हमारी बैक साइड बोन का फिफ्थ आता है, है। आगे आपका ट्रेकिया वहां पे करता है। Is clear? कैसे? Let's see. ये देखो। show you. तो इसका मतलब क्या है तो ये आपकी बैक बोन होती है एस शेप्ड ठीक है ऐसे एस शेप की बैकबोन होती है पांच रीजन्स में डिवाइडेड होती है जिसके बारे में हम डिटेल में करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में सर्वाइकल ये है थोरेसिक सर्वाइकल का मतलब जो नेक रीजन में होता है ठीक इस 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 है इसमें सेवन वटिब्रा होंगे इसमें पांच इसमें बारह वटिब्रा होते हैं ये लंबर रीजन है इसमें इस पांच होते हैं ये सेक्रल है इसमें भी पांच होते हैं लेकिन फ्यूज कर गए हैं और इसमें टेल रीजन कॉक्सीजल इसमें चार होते हैं लेकिन फ्यूज कर जाते हैं एक बन जाता है ठीक है डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर आई मीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन बट अब यहां पे आओ तो रीजन में छोटे छोटे जो विटिब्रा प्रेजेंट है वो कितने हैं ट्वेल्व ठीक है 12, किस लेवल पे डिवाइड करता है आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है तुम्हारा ये तुम्हारा ट्रेकिया है ठीक है तो ट्रेकिया देखो किस लेवल पे डिवाइड करेगा फिफ्थ थोरासिक विटिब्रा लेवल तो जहां पे वन टू थ्री फोर फाइव जहां पे ये विटिब्रा है फिफ्थ थोरासिक विटिब्रा वहां आगे की तरफ आपका जो है वो डिवाइड कर रहा है वो आई होप क्लियर टू यू इसका मतलब की दुकान के आगे से मुड़ना है ठीक है, की की है। अब यहां पे तो बंसी भैया है नहीं तो यहाँ पे कैसे बताएंगे कि जहां पीछे बैकबोन का फिफ्थ थोरासिक टिब्रा आ रहा है आगे की तरफ वहां आपका ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है क्लियर हो गया सबको चलो सो दैट वॉज ऑल और अब हम आगे चलेंगे ठीक है ये भी हमने देख लिया कि कंडक्टिंग पार्ट है क्या क्या फंक्शन है एंड मूविंग ऑन टू नाउ द चीफ रेस्पिरेटरी पार्ट लंग्स पे आते हैं हमारे केस में जो चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वॉट आर दे दे आर योर लंग्स ठीक है तो ये देखो डायग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार तो ये क्या दिखाया हुआ है दिस इज योर लेरिंगस ठीक है और ये जो चीज है ये वाली ये इन्होंने आपका थायराइड ग्लैंड दिखाई है भाई छोड़ दो इसे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इसको हम नहीं करेंगे अब हम आते हैं मेन इस ट्यूब पे ये ट्यूब क्या है हमारी दिस इज योर ट्रेकिया दिस इज योर ट्रेकिया ठीक है और ट्रेकिया फिर आगे डिवाइड हो जाती है इनटू टू ब्रोंकाय दिस इज योर ब्रोंकाय ये ब्रोंका है ठीक है और ब्रोंकि देखो आगे डिवाइड हो रहे हैं आगे डिवाइड हो रहे हैं ये ब्लू वाला ठीक है सो इट इज डिवाइडिंग इन टू दिस ये सारे छोटे छोटे और फिर और ब्रांचिंग होती जाएगी और ब्रांचिंग होती रहेगी इज क्लियर अब ये है आपके लंग्स क्लियर और इनके ऊपर ये सी शेप काटेज रिंग्स नहीं भूलनी है अंदर भी होती हैं इनके ऊपर भी होती हैं क्लियर ना सी लंग्स कैसे स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स देखने में कैसी शेप है लंग्स की सो लंग्स रफली ट्राइंगुलर है नंबर वन रफली ट्राइंगुलर ठीक है कितने होते हैं दो होते हैं सो पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं वन टू क्लियर अब दूसरी बात ये आपका जो राइट right लंग है ठीक है लेट्स लेबल दिस इज योर राइट लंग एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग देखने में शेप अलग है मैंने जब ड्रॉ किया था वो भी अलग अलग ड्रॉ किया था क्योंकि अलग शेप होती है जो आपका राइट लंग है राइट लंग छोटा लेकिन मोटा है छोटा है लेकिन मोटा है इट इज शॉर्टर बट ब्रॉडर वाई क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे लंग्स प्रेजेंट सॉरी लिवर प्रेजेंट है इसके बिल्कुल नीचे क्या आ गया आपका लिवर तो लिवर ने इसको ऊपर की तरफ धकेल दिया ठीक है तो इसकी वजह से क्या हो गया शॉर्ट एंड ब्रॉड ठीक है आपका जो राइट right लंग होता है इसके अंदर तीन लोब्स होती है ये तीन लोब्स है।, है कौन कौन सी सुपीरियर इन्फीरियर एंड बीच वाला मीडियन देखो ऊपर वाली चीज को सुपीरियर कहेंगे नीचे वाले को इंफीरियर कहेंगे और जो बीच में आ रहा है उसको क्या कहने वाला है मीडियन ठीक है जी ओके अब ये देखो तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ये लंग्स राइट right? ये आपके लंग्स अब लंग्स को हमने तीन लोब्स में डिवाइड किया ये देखो ये नजर आ रहा है ये एक फिजर है ये एक दूसरा फिजर है ठीक है तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे सुपीरियर बीच वाले पार्ट को बोलेंगे मीडियन और जो नीचे की तरफ आ रहा है दिस इज योर इनफीरियर क्लियर तो तीन लोब्स में डिवाइडेड होता है अब इसको तीन लोब्स में डिवाइड करने के लिए बीच में ऐसे ये कुछ गड्ढे प्रेजेंट होते हैं जो फिजर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो लेट्स कौन कौन से फिजर्स हैं यहाँ पे सो so, ये जो फिजर है दिस फिजर इसकी शेप देखो कैसी है शेप कैसी है हॉरीजोंटल सो दिस इज अजोनटल फिजर and this one is oblique, this one is oblique fissure. done. अब इसी तरह से इधर aa jao yahan pe भी fissures present होंगे लेकिन आपका जो left lung है guys, उसमें सिर्फ दो lobes होते हैं ठीक है ठीके? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला सुपीरियर एंड इनफीरियर और ये जो लोब है इसको हम बोलते हैं शेप देखो इसकी कैसी है oblique fissure. डन दो लोब्स है Clear हो गया इतना तो देखो लेफ्ट लंग जो है ये लंबा है और पतला है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है सो इट इज longer एंड पतले को बोलते हैं सिलेंडर ठीक है जी और इसके अंदर दो लोब्स हैं कौन सी सुपीरियर एंड इंफीरियर इज दैट क्लियर ठीक है और उसको कौन डिवाइड कर रहा है ओब्लीक फिशर अब हर एक वाइटल ऑर्गन की तरह इसके पास भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है सो so, लेट्स इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन सी है सो so, लंग्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है देखो लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय नंबर टू पॉइंट जो हमें देखना है इसकी प्रोटेक्शन सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय दे आर प्रोटेक्टेड बाय वन रिब्स या रिब केज ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके आसपास एक जाल बना हुआ है ठीक है किसका बना हुआ है आगे की तरफ आपकी चेस्ट यहां पे सेंटर में बोन होती है ब्रेस्ट बोन स्टर्नम पीछे आपकी बैक बोन है और एक जाल बना हुआ है रिब्स का ठीक है तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है रिब केज क्लियर और दूसरा यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होंगी विच आर नोन एज प्लूरा विच आर नोन एज प्लूरा क्लियर तो प्लूरा देखो कैसे प्रेजेंट है यहां पे ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है इज दैट क्लियर ठीक है तो ये ये पूरी तरह से थ्रू आउट पूरी तरह से हर डायरेक्शन में इसको पूरी तरह से कवर करती है सो दिस इज डबल लेअर्स स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लूरा दिस इज आउटर प्लूरा एंड दिस इज योर इनर प्लूरा तो डबल मेम्बरेन स्ट्रक्चर क्लियर और बीच में स्पेस होती है जहां पे फ्लूड प्रेजेंट होगा क्लियर हो रहा है चलो एक बार और देख लेते हैं लेट्स सी इट सेपरेटली सो ये आपके लंग्स हो गए लेट्स ड्रॉ इट ंस मो सो से दिस इज योर लॉन्ग फाइन और इसके आसपास प्लूरा है ठीक है so सो ये ये अंदर वाला प्लूरा ठीक है और ये बाहर वाला धन सो आउटर वन दिस इज नोन एज पेराइटल एंड द इनर वन दिस इज नोन एज विसरल क्लियर और दोनों क्या है प्लूरल मेम्रेन और प्लूरा दिस इज फ्लूरा डन अब इनके बीच में ये जो स्पेस है ये खाली नहीं होती दिस इज फिल्ड विथ फ्ल्यूरल फ्लूड दिस नोन एज फ्ल्यूरल स्पेस एंड इट इज फिल्ड विथ फ्ल्यूरल फ्लूड अब इस फ्ल्यूड का रोल है देखो फ्लूड है तो क्या करेगा तीन चीजें कर सकता है नंबर वन फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा जब इन्फ्लेट डिफ्लेट होंगे इन्फ्लेट डिफ्लेट तो अगर बीच में फ्लूड ना होता तो दोनों मेंब्रेन्स के अंदर क्या होती दोनों मेंब्रेन के अंदर फ्रिक्शन होनी थी उस फ्रिक्शन को कौन प्रिवेंट कर रहा है प्लूरल फ्लूड तो नंबर वन फंक्शन प्लेड बाय दिस फ्लूड इज दैट इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन ठीक है दूसरा फ्लूड है तो डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करेगा डेसिकेशन बोल देते हैं डेसिकेशन इज डिहाइड्रेशन क्लियर फ्लूड है तो शॉक एब्सॉर्बर का भी काम करेगा ठीक है? ठीक है? तो these, और ये आपकी प्लूरल मेम्रेन जो सब तरफ से इसको कवर करने वाली है इज आर क्लियर ठीक है तो ये है आपका स्ट्रक्चर अब आपके जो लंग्स है ना गाइज लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर कोई भी मसल uh, प्रेजेंट नहीं होती है तो इसलिए हम लंग्स के लिए ये टर्म भी यूज करेंगे कि दीज आर नॉन मस्कुलर दीज आर नॉन मस्कुलर ठीक है अब जब हम पैदा होते हैं तो ये बेचारे पिंक होते हैं फिर गंदी हवा की वजह से ये ग्रे ग्रे से काले और काले बहुत काले होते जाएंगे ठीक है चलो सो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स दैट वी हैव टू स्टडी इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एलविलाई के अंदर सॉरी लंग्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे एलविलाई प्रेजेंट है ठीक है एलविलाय वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां एक्चुअली गैशियस एक्सचेंज होना है ठीक है so, सो जहां पे एक्चुअली गैशियस एक्सचेंज होना है सो दीज आर नोन एज यूनिट ऑफ लंग्स कितने होते हैं अराउंड वन मिलियन इन ईच लंग्स इन ईच लंग्स ठीक है और क्या करते हैं दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर डिफ्यूजन दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज और गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है डिफ्यूजन से इज दैट क्लियर ठीक है जी सो दिस इज एलवेलाय अब देखो एलवेलाय का स्ट्रक्चर देखते हैं ये है आपका एलवेलाय लाइक स्ट्रक्चर है बड़े थिन वॉल्ड होते हैं देखो थिन वॉल्ड भी होंगे क्योंकि डिफ्यूजन होनी है तो थिन डिफ्यूजन के लिए थिन वॉल होनी तो जरूरी है थिन वॉल्ड हाईली भी होंगे इनके बाहर रिच ब्लड सप्लाई होती है क्योंकि हवा अल्टीमेटली लंग से कहां जानी है ब्लड के अंदर हाईली वैस्कुलर होंगे इज क्लियर अब देखो इनका स्ट्रक्चर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है दिस इज एलव अब डिफ्यूजन है तो यहां पे जो सेल्स हैं सेल्स पतले होने चाहिए फ्लैट होने चाहिए जहां जहां डिफ्यूजन होगी वहां वहां पतले सेल्स होंगे इन पतले सेल्स को हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथिलियम सो दिस इज द एल्वियोलर मेम्ब्रेन एलव्योलर मेम्ब्रेन और ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है स्क्वामस एपिथिलियम की is that clear? उसके आसपास रिच ब्लड सप्लाई भी है तो ये देखो ब्लड सप्लाई बना देते हैं दिस इज योर कैपिलरी दिस इज द कैपिलरी ठीक है यहां से ब्लड आ रहा है यहां से ब्लड जा रहा है जो आएगा वो कैसा है डी जो जाएगा वो कैसा होगा ऑक्सीजनेटेड ठीक है और एपिथिलियम की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि एपिथिलियल टिश्यू के बीच में उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर 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 होती है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है फाइबर्स की ठीक है पढ़ेंगे हम और ये आपकी कैपिलरी जो है अब कैपिलरी में डिफ्यूजन भी होनी है तो यहां पे भी पत, सेल कौन सा होगा पतला सेल कौन सा स्क्वामस एपीथीलियम इसकी वॉल को क्या बोलते हैं एंडोथीलियम तो एंडोथीलियम इज आल्सो फॉर्म ऑफ स्क्वास एपीथीलियम इज क्लियर अब जब एक्सचेंज होना है देखो गैसेस का जब एक्सचेंज होगा तो गैसेस कैसे मूव करेंगे यहां से ऑक्सीजन यहां चली जाएगी यहां से सीओ टू यहां चली जाएगी ठीक है तो दिस विल बी अकरिंग बाय डिफ्यूजन कौन कौन सी को उसने क्रॉस किया है देखो जरा कौन कौन सी मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस किया है नंबर वन उसने क्रॉस किया इस मेम्ब्रेन को एल्वियर को नंबर टू उसने क्रॉस किया बेसमेंट मेमब्रेन को नंबर थ्री उसने क्रॉस किया एंडोथिलियम को आई यू गेटिंग दिस तो ये तीन जो में जिसको क्रॉस करके हवा एक क्रॉस द मेम्ब्रेन जा रही है सो so दिस इनको मिला के क्या बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहां एक्चुअली गैशियस एक्सचेंज हो रहा है हमारे केस में ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है कि इट इज लेस देन वन मिलीमीटर थिक तो बहुत पतली होनी चाहिए टोल्ड तो तो यू थिन वॉल्ड होती है आसपास रिच ब्लड सप्लाई है हाईली वैस्कुलर भी होगी ठीक है और इसको मॉइस्ट भी रखना जरूरी है सो इट इज मॉइस्ट ऑल्सो क्योंकि ड्राई हो गए सेल्स विल श्रिवल एंड दे विल डाई, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एलव्यलिस इज दैट क्लियर सो दैट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गाइस कि इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कैसे एक्सचेंज करना है यानी हवा बाहर से अंदर मूव जब करे यानी कि ब्रीदिंग में इनहेलेशन में और एक्सलेशन में मसल्स कौन से इन्वॉल्व होती हैं ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा एक्सचेंज कैसे होगा वी आर गोइंग टू स्टडी इट ऑल क्लियर सो ये स्टेप्स अब नेक्स्ट सेशन में दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर ठीक है जिसमें कि हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी अभी आज हमने कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ईच स्टेप विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल ठीक है चलो अब जाने से पहले जाने से पहले गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ठीक है सो लेट्स हैव अ प्रिंट लेट्स हैव असप्रिंट सी फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेकियर इट डिवाइड इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका एट विच लेवल कौन से लेवल पे इसका डिविजन होना है कौन से लेवल पे इसका डिविजन होना है देखो ट्रेकिया विल डिड इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाय एट द लेवल ऑफ कैन यू थिंक ऑफ द आंसर येस वेरी क्लियर डिवाइड एट द फिफ्थ थोरासिक विटिब्रा लेवल तुम्हें मैंने एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट देखते हैं सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की बात हो रही है ब्रीदिंग की नहीं इट इज फॉर एनर्जी लिबरेशन एनर्जी रिलीज होती है इट कैन अकर बोथ ऑक्सीजन प्रेजेंस एंड इन इट्सेंस बिल्कुल प्रेजेंस में सही है हमने पढ़ लिया है सो ऑल ऑफ दीज देन ट्रेकिया इज लाइन बाय कौन सेल्स हैं जो उसको लाइन करते हैं गाइस कौन सेल्स लाइन करते हैं सो ट्रेकिया इज लाइंड बाय सुफाइड सीलिएटेड

फूड की एंट्री को प्रिवेंट करेगा इन टू लेरिंग्स आप कहोगे कि यहां पे ट्रेकिया होना चाहिए बिल्कुल पर ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है लेरिंग्स और अगर कभी गलती से फूड ट्रेकिया में चला जाए तो आपको कफिंग हो जाती है इम प्रॉपर मूवमेंट की वजह से सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज क्लियर हो रहा है सबको ठीक है नेक्स्ट लंग्स आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कौन सी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है लंग्स की तो सोते हुए भी तुम्हें याद आनी चाहिए ये मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन ठीक है लंग्स की कौन सी मेम्ब्रेन है प्लूरल लंग्स के साथ पल्मोनरी वर्ड जरूर रिलेट होता है लेकिन मेम्ब्रेन का नाम पल्मोनरी नहीं है और ये दोनों इसी के पार्ट्स होते हैं ऑल राइट सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस एंड इन द टुमारो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द फिजियोलॉजी हाउ वी ब्रीथ टिल देन कीप ब्रीदिंग पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट